नमस्कार, मैं देवेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.32 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है संचार के साधन। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ संचार के साधन संचार के विभिन्न साधनों एवं उसके उपयोग पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते वक्त बच्चे अपने नाम या अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े हुए शब्दों को बोलते हैं और कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है क्रिया शब्द। शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपकी थीम क्रिया शब्द निर्धारित की गई है, आपको घर जाकर क्रिया से संबंधित शब्दों को पढ़कर आना है और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ संचार के साधन को पढ़ा दिया गया है कि नहीं, उसकी व्याख्या करा दी गई है कि नहीं। बच्चे घर जाते हैं और क्रिया से संबंधित शब्द पढ़कर आते हैं। शिक्षक फिर गतिविधि का क्रियान्वयन करवाते हैं और बोलते हैं कि आपको अपने अनुक्रमांक जब सुनना है तो अनुक्रमांक सुनने पर आपको अपने स्थान पर खड़ा हो जाना है और क्रिया से संबंधित शब्दों को बोलना है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक ने बोला अनुक्रमांक एक, तो अनुक्रमांक एक वाला बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और वो क्रिया से संबंधित शब्द बोलता है तितली फूलों का रस पीती है, और इसमें पीती है जो शब्द है वह क्रिया शब्द है। इस तरीके से शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों से क्रिया शब्द बुलवा सकते हैं और कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करवा सकते हैं और पाठ का भी पुनः अध्ययन करवा सकते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। और शिक्षक बच्चों को ये निर्देश भी देते हैं गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान कि आपको अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनिए एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है और इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए निर्देश। आइए जानते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे क्या लाभ होता है। तो थीम आधारित उपस्थिति नए नए शब्दों को याद करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इससे बच्चे न केवल अपनी थीम का नाम याद रखते हैं बल्कि कोई सहपाठी यदि शब्दों के उच्चारण में गलती करता है या उसे भूल जाता है तो सहपाठी बच्चे उसकी मदद भी करते हैं। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इसके लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।